में 11 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं यतेंद्र शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत आज की 6 बड़ी खबरों पर करेंगे। कांग्रेस आलाकमान से नाराज शंकर सिंह बाघेला आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। अपने जन्मदिन पर आज दोपहर 2 बजे बाघेला ने गुजरात के गांधीनगर में एक सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन में बाघेला कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वहीं दिल्ली की सियासत भी आज गर्म है। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर छेड़खानी का केस दर्ज हुआ है। एक महिला ने जारवाल पर छेड़छाड़, धमकी देने और बदसलूकी का आरोप लगाया है। वहीं बिहार में लालू के दूसरे बेटे पर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप आज बंद कर दिया है। बीपीसीएल ने तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके अलावा पुडुचेरी सरकार और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस ने किरण बेदी के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में किरण बेदी को हिटलर बताया गया है। क्रिकेट में भी आज गहमा गहमी है। आईपीएल फेमा उल्लंघन केस में प्रवर्तन निदेशालय ने शाहरुख खान को समन जारी किया है। शाहरुख को 23 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और आज की सबसे अच्छी खबर, महिला वर्ल्ड कप में देश की बेटियों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। आपको हर बड़ी खबर विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको सैलाब में जिंदगी की जंग की तस्वीर दिखाते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के भैरवी नदी में पूजा करने आए एक युवक बह गया। यहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से भैरवी नदी उफान पर है। भैरवी नदी का जल स्तर बढ़ने से यहाँ के छिलका पुल के ऊपर से पानी की तेज धार बह रही है। इसी पुल से होकर लोग माँ छिन्न मस्तिका के दर्शन को जाते हैं। कल भी कुछ लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे, अचानक एक युवक नदी की तेज धार में आ गया और बहने लगा। युवक की किस्मत अच्छी थी कि वो एक पत्थर के बीच में जाकर फंस गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। पानी के बीच में जाते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पानी के बीच में जाते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं हालांकि एक युवक इसमें बीच में फंस गया था, लेकिन बाद में उसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से युवक फंसा हुआ, क्योंकि पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया था। मां के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। आप वो रास्ता भी देख सकते हैं जिसके ऊपर से पानी बहकर निकल रहा है। रास्ता बिल्कुल पानी नीचे इसके से जा रहा था, लेकिन अचानक जल स्तर बढ़ा, जिसकी वजह से जो पुल है, जो लकड़ी का पुल वहां पर अस्थायी तौर पर बनाया गया है श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जल स्तर अचानक बढ़ने की वजह से पानी काफी आ गया और उसमें एक युवक फंस गया। आप 3 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवक बीच में फंसा हुआ आपको दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर, उसको बाद में लोगों ने किस तरह से बचाया और जिंदगी की जंग एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। 3 तस्वीर है कि पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है रास्ते पर जो लकड़ी का पुल है, लेकिन उसके बाद भी लोग माँ के दर्शन के लिए उसे वहां पर जाते हैं। अपनी जिंदगी खतरे में डालकर एक जंग की तरह, इतना जलस्तर क्योंकि इतना बढ़ गया है, उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी खतरे में डालकर माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बारिश और बाढ़ ने रेगिस्तान में भी तबाही मचाई हुई है। बाड़मेर और जैसलमेर में सड़कों पर सैलाब आ गया है। बाड़मेर में बारिश के बाद एक नाले ने दरिया का रूप ले लिया। इस नाले में 4 बाइक कागज की नाव की तरह बह गई। इन बाइक्स पर 20 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 17 लोग अब तक लापता हैं। बीती रात से उनकी तलाश जारी है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। तस्वीरों में हम वो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो घटना हुई है उसमें पानी एकदम अचानक, जो कह सकते हैं बाढ़ सी आ गई है, और 17 लोग अब तक लापता है। उनको कोशिश की जा रही है ढूंढने की। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से जो बचाव काम है, वो बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक 17 लोगों का कोई भी पता नहीं चला है। कई बाइक्स इसमें बह गई, अचानक जलस्तर बढ़ गया, बाढ़ जैसे हालात वहां पर रेगिस्तान में हो गए। बाड़मेर का ये दृश्य है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेगिस्तान का इलाका है। देश के 11 से ज्यादा राज्यों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से बरसती बूंदें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। हम आपको मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली उफनती नदी में फंस गया।
ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार लोग सैलाब के बीच से रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी नदी की तेज धार में ट्रॉली का पहिया फंस गया और धीरे धीरे पूरी ट्रॉली को अपने आगोश में ले लिया। ट्रॉली पर सवार 9 लोग पानी में बहने लगे, फिर लहर के बीच जिंदगी की जंग शुरू हुई। बहरे लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने कपड़ों को रस्सी बनाकर लहरों को पार करने की कोशिश करने लगे। 8 लोग किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन एक अभी तक लापता है जिसका अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है, जो कपड़े हैं उसको रस्सी की तरह प्रयोग किया जा रहा है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 8 लोगों को इस तरह से बचाया गया, लेकिन एक युवक का अभी तक पता नहीं चला है, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। कपड़ों की रस्सी बनाकर बचाने का काम, जिंदगी की जद्दोजहद यहाँ पर होती जा रही है। बाढ़ के पानी में किस तरह से जिंदगी बचाई जा रही है, किस तरह के उपाय निकाल कर जिंदगी बचाने का काम चल रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि 8 लोगों को इस तरह से बचाया गया, लेकिन फिर भी एक युवक इसमें फंस गया और उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब बात गुजरात के सियासत की। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह बाघेला आज कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर बाघेला ने दोपहर 2 बजे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया है। बाघेला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हो सकता है कि बाघेला कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि बाघेला कुछ दिनों से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में भी गुजरात से कुछ कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले बाघेला गुट के ही विधायक हैं। आज कांग्रेस छोड़ने का ऐलान बाघेला कर सकते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटिंग हुई थी उसमें माना जा रहा है कि बाघेला गुट के विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि 11 कांग्रेसी विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोटिंग की थी। ऐसा नहीं, वो तो होता ही नहीं है। क्रॉस वोट तो पार्टी को तय करना है। अगर क्रॉस वोट हुआ है तो एमएलए को बुलाकर इनको कहना चाहिए। हमने तो हमारी ड्यूटी थी 57 को इकट्ठा करके दे देने की, वो हमने दे दिए थे। एनसीपी के 2 लोगों को बुलाकर भी हमने वोटिंग करवाया है पर्सनली सबके साथ में। कोर कमेटी की ओर से कल ये कहा गया है कि आपने पहले 24 तारीख को जो पार्टी खिलाफ जो बयान दिए थे वो आपकी वरिष्ठता को देखते हुए कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। अब कार्रवाई करने दीजिए इनको, लेट देम डू, मैं कार्रवाई करूंगा, डोंट वरी। वो इतनी मीटिंग के बाद, इतने समय के बाद भी क्या अभी नाराजगी दूर हुई है? देखिए 2 घंटे बाकी है, अभी 2 बज जाएंगे। मैं अबाउट 2 बजे मैं पहुंचूंगा, वहीं आइए, सब बातें खुलकर। बाबू अगर कांग्रेस में रहूं तुम्हारा माटे कैसे सकते? वही देखिए, ज्यादा समय तो है नहीं। पहली बात तो यह है कि बर्थडे विश करना पर्सनली बात होती है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम ये नहीं है, बिल्कुल पर्सनल प्रोग्राम है, बर्थडे विशेष का प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। यह मेरे को पता चला है, मगर यह दुखद बाबत भी। पर आप पे अगर आप जाते हैं और आप पे कार्रवाई होती है तो फिर कुछ भी कार्यवाही कर सकते हैं, मेरे को इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फादर है और कोई भी, अगर कोई भी होता, बीजेपी के लीडर होते, कांग्रेस के लीडर, तो भी मैं जाता हूँ। और कांग्रेस के सिवा और भी बड़े वरिष्ठ नेता होते तो भी उसको विश करने के जाना अपने भारतीय संस्कृति का रिवाज है। अपने हम मिलते जाते हैं, विश करते हैं या नया आयर का विश करते हैं, उसमें कोई पक्षापक्षी या पॉलिटिक्स नहीं आता है, उसमें आना भी नहीं चाहिए। मैंने से आपकी तरह और कितने विधायक होंगे जो बापू को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने? ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है, सबको बोला है, जिसको आना है वो आ सके, नहीं आना है वो नहीं आए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फोन से बाकी विश कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल पर्सनल बाबत है और अपने इंडियन कल्चर के मुताबिक दिवाली में विश करते हैं, बाकी विश करते हैं, ये जन्मदिन का पर्सनली बाबत है और पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं, बिल्कुल बर्थडे का कार्यक्रम है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गांधीनगर से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, बाघेला साहब का जन्मदिन है और वो उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को चैलेंज भी कर दिया अपने 11 विधायकों को क्रॉस वोटिंग कराकर। अपने जन्मदिन पर वो किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, आज 2 बजे वो कार्रवाई करने वाले हैं, तो क्या इसके संकेत निकाले जाएं, क्या वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे?
यतेंद्र बापू बहुत पहले से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और आज तो आपने उनका बयान भी देख लिया कि पार्टी क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी, वो पार्टी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं और ये 2 बजे का इनका कार्यक्रम तय निर्धारित है, उसमें बापू एक अहम फैसला ले सकते हैं। अब फैसला क्या होगा इस पर अभी असमंजस बरकरार है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बापू कांग्रेस को छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो इस पर भी अरविंद बीजेपी में शामिल कैसे माने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वाघेला ने निशाना साधा था कि केदारनाथ मंदिर के लिए नई नई ड्रेसें पहनकर वो जा सकते हैं, लेकिन जो शहीद हुए हैं सैनिक उनके परिजनों से मिलने नहीं जा सकते, तो क्या बीजेपी में जाने का ऑप्शन बचता है या फिर अमित शाह का जो एक प्लान है उस प्लान में कहीं फंस गए हैं वाघेला और कांग्रेस का नुकसान, जो कांग्रेस मुक्त गुजरात के अभियान पर चल पड़े हैं? देखिए यतेंद्र, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बापू नरेंद्र मोदी या अमित शाह के प्लान में फंसे हैं, ऐसा बिल्कुल से कहीं तक नजर नहीं आता। बापू अपने आप में इतने सक्षम है, उनका अपने आप का व्यक्तित्व तो उतनी, उनकी इतनी लोकप्रियता गुजरात में है, तो बापू कुछ नया करेंगे इस बात की संभावना बहुत कम है कि बापू भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे या भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगा लेगी, इस बात की संभावना बिल्कुल बहुत कम है। खबर यह भी है कि बापू कल एनसीपी के नेताओं से कल दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की थी, तो एक नया घटक गुजरात में खड़ा हो सकता है। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल पिछले कई महीनों से गुजरात में अपना डेरा डाले हुए हैं, वो तो अपनी भूमिका यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शंकर सिंह वाघेला। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। शंकर सिंह वाघेला, बहुत कम उम्मीद है जो हमारे संवाददाता अरविंद बता रहे हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं, हालांकि अलग पार्टी बनाकर वो कांग्रेस का एक बड़े तौर पर नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय अब गुजरात विधानसभा चुनावों में नहीं रह गया है। अब खबर आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक मुश्किलों में घिर गए हैं। दिल्ली के देवली विधानसभा से विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज हुआ है। एक महिला ने संगम बिहार थाने में जारवाल पर छेड़खानी, धमकी देने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का केस दर्ज कराया है। हालांकि जारवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जारवाल का दावा है कि शिकायत करने वाली महिला बीजेपी कार्यकर्ता है और आरोप राजनीति से प्रेरित है। विधायक और पीड़ित महिला के बीच में अप्रैल में एमसीडी चुनाव के दौरान भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। वहीं जारवाल के खिलाफ 3 महीने पहले भी एक महिला ने छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। इसलिए कोई नया मामला तो है नहीं। बीजेपी कांग्रेस को जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ मिलता नहीं, उसके विधायकों के खिलाफ कुछ नहीं मिलता, तो ऐसी किसी महिला कार्यकर्ता को, बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता होती है उसे पकड़ के लाते हैं और उसे बेसलेस एलिगेशन विधायकों के खिलाफ लगवा देते हैं। बेसिकली ये महिला बीजेपी की कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये प्रोग्राम है। हमें नहीं पता, मैं अपने घर के अंदर बैठी लूडो खेली थी, सामने छोटी 8 साल की बच्ची है उसके साथ, आया जारवाल, उसने मेरा गेट नॉक किया, मैंने गेट खोला, जब मैंने गेट खोला तो मैंने कहा हाँ, आते ही उसने मेरे को धक्का मारा है, यहाँ धक्का मार के मेरी चुन्नी खींच के फेंक दी, कह रहा वो देख लूंगा तेरे को, इतने गंदे अल्फाज बोले हैं, अब शब्द बोले हैं जिसको मैं मतलब बयान नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं तो उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ जबकि हमने इसको कुर्सी पर बैठाया, मैं आम जनता हूँ, ठीक है, हमने वोट देकर इसको ऊपर उठाया, आज ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। अभी समय चला ब्रेक का।